जागो तो हिंदू एक बार जागो तो यह कहना है हिंदू जागरण मंच के उन सदस्यों का जिनके द्वारा आज आरा में द केरला स्टोरी आरा के हिंदुओं को फ्री में दिखाई जा रही है। द केरला स्टोरी एक ऐसी मूवी जिसको लेकर पूरे भारतवर्ष में घमासान मचा है। आपको बता दें कि द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज होने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। कई राज्य ऐसे जहां इस फिल्म को बैन किया गया हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए इस जो पिक्चर है द केरला स्टोरी उसको बैन किया गया था। और जो आज आरा में हिंदू जागरण मंच के द्वारा 200 बुक किया गया है 306 और 609 जिसमें पहले शो में महिलाओं को यह मूवी दिखाई जा रही है। यहाँ हिंदू जागरण मंच के लोगों का कहना है कि यहाँ के महिलाओं युवतियों को जागरूक करने के लिए इस तरह की मूवी दिखाना बेहद जरूरी है क्योंकि जिस तरह से हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण की ओर धकेला जा रहा है, लड़कियों का मामला लगातार बीच में आ रहा है और जिस तरह से हिंदू लड़कियों को टारगेट कर ISIS की तरफ उनका रुख किया जा रहा है, उनके दिमाग में जो भरा जा रहा है, इन सभी चीजों को लेकर हिंदू जागरण मंच के द्वारा इस तरह का यह किया गया है। पहले हम हिंदू मंच जागरण मंच के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसकी पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भारत माता की तस्वीर और प्रभु श्री राम की तस्वीर जिनके जयकारे से हिंदू जागरण मंच के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो कि आप देख रहे हैं मोती सिनेमा में यह आयोजित हुआ है। और यहाँ पर हिंदू जागरण मंच के द्वारा जो गीत गाया जा रहा है जागो तो हिंदू जागो तो हम यहाँ के जो उपस्थित दर्शक हैं जिनमें महिला युवतियाँ हैं उनसे भी बातें करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो इस भूमि को लेकर जागरूक हो रही है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये फिल्म देखने जाती हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी लेकर आई हूँ कि आप लोग भी आइए और इस फिल्म को देखिए। और अभी तो फिल्म देखना मैंने स्टार्ट किया है लेकिन मैंने बहुत कुछ सुना है इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म से के देखने के बाद लोग बोलते हैं ये पता चल रहा है कि हमें अपने धर्म और संस्कृति को बचाना है और हमें किसी दूसरे लोगों के बहकावे में नहीं आना है। हमें अपने बच्चों को अभी धर्म के बारे में बताना है, उनको संस्कृति के बारे में बताना है और अपने धर्म और संस्कृति को बचाना है। एक तरफ जहां देखा जा रहा था द कश्मीर फिल्म एक रिलीज हुई थी उसे भी लेकर काफी विवाद हुआ था, उसके बाद द केरल स्टोरी ये जो फिल्म आया है दोनों में हिंदू मुस्लिम की कहानियां एक दिखाई गई है, तो क्या सांप्रदायिक भावनाओं को बिगाड़ने के लिए ये नहीं हो रहा है? जी नहीं, जो रियल स्टोरी है उसी को दिखाया जा रहा है, बस हमें इस फिल्म को समझना है। तो आखिर फिर क्या कारण है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इसे बैन कर दिया गया है? हम तो ये कहना चाह रहे हैं किसी भी राज्य या किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी कंट्री में बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें रियल स्टोरी को दिखाया गया है और उससे हमें बहुत चीज सीखने को मिल रहा है। द केरल स्टोरी पूरे सिनेमा हॉल में दिखाने के लिए आप लोगों को इनवाइट किया गया है। ये फिल्म अभी आप देखने आई हुई है, क्या आपका मैसेज होगा क्योंकि कुछ तो सुना होगा इस फिल्म के बारे में? जी, ये फिल्म अभी तो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा जगह ये बैन भी हो रहा है, जैसे कोलकाता में बैन हो गया है, बहुत जगह इसको टैक्स फ्री किया जा रहा था। जैसे हम जैसे टीनेजर्स के लिए, लड़कियों के लिए ये ज़रूरी है कि इस मूवी से हम लोग कुछ सीखें। जैसे इस मूवी का है कि मतलब हम लोग उससे मोटिवेट हों कि इसमें स्टोरी क्या है, ये तो देखने के बाद हम आपको रिव्यू बताएंगे। बट जैसे कि लव जिहाद आजकल बहुत ये हो रहा है, लड़कियों पे किस टाइप से शोषण हो रहा है, ये हम लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग देख के इस मूवी से क्या सीख रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी मूवी देखते हैं फिर बताते हैं कि इसका क्या, हम लोग इससे क्या सीखे, क्या इससे हम लोग को मिला। सौंदर्य प्रकाश सिनेमाघर में आप लोग देख रहे हैं हिंदू जागरण मंच के द्वारा खास तौर पर महिलाओं को, लड़कियों को, युवतियों को आमंत्रित किया गया है। आपने क्या सुना था केरल स्टोरी के बारे में, कुछ सुना होगा? ये गर्ल्स के ऊपर एक स्टोरी है जो कि केरल की रहने वाली थी और उनके साथ जो हुआ, जो मुस्लिम लोगों ने करा, उसके ऊपर ये बेस्ड है स्टोरी और मैं वही सुन के देखने के लिए आई हूँ यहाँ पे। क्या नाम हुआ? अंजलि सिंह सुरवार। केरल स्टोरी आज सिनेमाघर में देखने पहुंची हुई है, आप क्या सुना आपने इस फिल्म के बारे में? यही सुना कि हिंदू और में बढ़ावा मिल रहा है और हम लोगों को दिखाया इसलिए जा रहा है कि लड़कियों को बरगलाया जा रहा है, हिंदू लड़कियों को बरगलाया जा रहा है कि आप अपना इस्लामी मतलब धर्म चेंज कीजिए और हम लोग का धर्म में आइए, और लड़कियों लोग को मारा जा रहा है
इसीलिए हम लोग को मतलब देखने के लड़कियों को खास तौर पे युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए है जो धर्मांतरण करा रहे हैं या इस्लाम को कबूल कराते हैं, क्योंकि फिल्म में जो जानकारी हमें ISIS आप तो किसके साथ यहाँ पर आई, क्या सुनकर आप यहाँ पर आई? जी अभी मैं बेटी के साथ आई हूँ और यही सुन के आई हूँ कि ये सब लेडीज लोग को देखना चाहिए, लड़की लोग को देखना चाहिए कि कैसे मतलब आगे मतलब लड़की लोग को कैसे बरगलाया जा रहा है और धर्म चेंज किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग आए हैं देखने के लिए। ठीक, क्या नाम है आपका मैडम? जी सुधा देवी। द केरल स्टोरी मूवी देखने आई है, क्या सुना आपने इस फिल्म के बारे में और क्यों अपने आए परिवार के साथ? मैंने देखा कि ट्रेलर में पाकिस्तानी लोग कैसे ISI के द्वारा उसे चेंज धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं हिंदू लोगों के लिए, और जैसे हिंदू के लिए अपने भगवान प्यारे हैं वैसे हिंदू के लिए भी उनके भगवान प्यारे हैं, तो हम लोग अपना धर्म क्यों चेंज करें, सबके लिए अपना धर्म प्यारा है उसी पे रहने देना चाहिए। जिस तरीके से फिल्म में दिखलाया है कि हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण किया जाता है, फिर उनके साथ बहुत ही बदहवासी की तरह काम किया जाता है, जो लगातार देखने को ये भी मिलता है कि आए दिन ये भी देखने को मिलता है कि कई बार लड़कियों की हत्याएं हो जाती हैं, उनके प्यारे विशेष वर्ग के लोग आते हैं, उन लोगों का हत्या भी हो रहा है। ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि जो नकाब पहनती है उनका मतलब रेप वगैरह कुछ नहीं होता है और हिंदू लोगों का हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का होता है, मुसलमान और हिंदू दोनों का हो रहा है, छेड़खानी दोनों के साथ होती है, इसलिए धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए, सबका धर्म अपने लिए प्यारा है। क्या नाम हुआ? साक्षी वर्मा। देखने आई हैं, क्या सुना था आपने इस फिल्म के बारे में? सुने थे कि केरल में बहुत ही मैंने हिंदू लड़की को इस्लाम धर्म कबूल करवाया जा रहा है, इसमें बहुत ISIS आतंकवादी संगठन बहुत, हाँ उसके चलते बहुत दिक्कत हो रहा है लड़की लोग को। कई जगह फिल्म को बैन किया गया, कई जगह टैक्स फ्री किया गया, और आज आप लोग खुद यहाँ एक जो हिंदू जागरण संगठन है उसके द्वारा महिलाओं को लड़कियों को पूरे फैमिली के साथ खासतौर पर लड़कियों को यहाँ लाया गया, आमंत्रित किया गया है, तो फिल्म को देखने के बाद पता चलेगा आप लोगों को क्या दिखा, लेकिन फिलहाल फिल्म देखने आई तो किसी साथ आप आई हैं? बस अकेले ही आए। आप अकेले आए, यानी आपको जो जानकारी मिला आप चली आई। हाँ। तो फिल्म देखने के बाद क्या कुछ पहले से कुछ जानकारी था फिल्म के बारे में? थोड़ा बहुत तो जानकारी था टीवी द्वारा कि धर्मांतरण वगैरह को लेकर। हाँ। क्या नाम है मैडम आपका? दीपा। आप लोग फिल्म देखने आई हैं? यस। हिंदू जागरण मंच के द्वारा आरा की ज्यादातर पढ़ने वाली टीनेजर को एक पास दिया गया, टोकन दिया गया, उस आधार पर फिल्म देखने क्यों फिल्म देखने आई है द केरल स्टोरी? एक्चुअली सर अधिकतर स्टूडेंट जो उनको तो टाइम भी नहीं है कि वो देखने आए मूवी, लेकिन हम लोग को सुनने में भी आया है और बहुत लोग के जरिए हम लोग को पता चला है कि ये स्टोरी मतलब सोशल मीडिया से अवेयरनेस रिलेटेड है, और जो भी कंट्रोवर्शियल दिखाया जा रहा है वो सब झूठा है, जो हकीकत है वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो कि वही हम लोग देखने आए हैं कि हकीकत क्या है। साथ में ISIS जैसे संगठन को बढ़ावा देने की, तो फिल्म को देखने के बाद पता चल पाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग पहुंची हुई हैं, फिल्म देखने के लिए कितना एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो बहुत है कि आखिर यह झूठा है या सच बात है, ये तो देखने के बाद और भी अच्छे से क्लियरिटी हो पाएगी, और साथ ही साथ जो संगठन जो आतंकवादी संगठन है उससे लोग कैसे जुड़ जा रहे हैं, उसमें बरगलाया जा रहा है और हिंदू लड़कियों को उसमें लपेट लिया जा रहा है, तो वो सब भी हम लोग को देखने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड है कि आखिर यह सही बात है या फिर ये रिलीजन को लेकर के बढ़ावा दिया जा रहा है कि ऐसा रिलीजन को लेकर के और आपस में कट्टरपंथी मतलब कट्टर ये हो जाए। यस, ये मेरा सुरभि कुमारी बताया जाए। आज द केरल स्टोरी आरक्ष लड़कियां सिनेमा घर में देखने आई है, खासतौर पर लड़कियों के लिए यहाँ आमंत्रण कुछ ज्यादा है, और हिंदू जागरण मंच के द्वारा कैसा अनुभव है इस फिल्म को लेकर, क्या लगता है इस फिल्म को देखने के बाद कुछ बदलाव आएगा? हो सकता है इस फिल्म को जो भी लड़की यहाँ पर देखने आए तो देखने के बाद कुछ सोच में अंतर है या कुछ बदलाव लाने की जरूरत भी है, तो इस फिल्म के माध्यम से बहुत सा पता चलेगा कि क्या बदलाव आपने फिल्म के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा कंट्रोवर्सी है इस फिल्म को लेकर, कहीं टैक्स फ्री है तो कहीं पैसे बैन किया जा रहा है, कुछ तो इसमें होगा ना फिल्म को लेकर?
सुना आपने फिल्म को लेकर क्या? हाँ हाँ, हम लोगों ने सुना कि ये फिल्म ये सच पे आधारित फिल्म है, द केरला स्टोरी, और ये सच्ची घटना है जो कि केरला पे बेस है, IAS पे बेस है। तो हम लोग भी अपना टाइम निकाल कर इस फिल्म को देखने आए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कि क्या ये जो बात है ये सच है या दिखाया जाए उसको पता चलेगा। क्या नाम हुआ? रूबी कुमारी। बस इस फिल्म को लेकर बहुत सारी चीजें सुनी थी जो कि मैं देखने आई हूँ, कि ये देखना चाहती हूँ जो भी वो बता रहे हैं, जो सच में ये फिल्म जिस पे आधारित है, क्या वो एक रियल स्टोरी है, सच में ऐसा स्टोरी घटित भी हुआ है? जैसे अभी कुछ दिन पहले ही आया कि एक हिंदू लड़की मुस्लिम के साथ चली गई तो फिर उसके 32 टुकड़ों में काट के उसे फेंक दिया गया। तो वही उसी आधार पे मैं ये फिल्म देखने आई हूँ कि क्या ये रियल स्टोरी और सच में ऐसा हो रहा है क्या, ये हिंदू लड़कियों को जागरूक होना पड़ेगा। और शायद इस फिल्म को देख के बहुत सारी हिंदू लड़कियों की मेंटलिटी में चेंज आ जाए। मेरा नाम अंजलि कुमारी। हाँ बताओ, बताया जाए। फिल्म देखी तो बस इतना पता चला ना कि हिंदू राष्ट्र में जितने भी गार्जियन हैं, खास करके बाहर के लोग जितने भी गार्जियन हैं, वो अपने बच्चों को हिंदू राष्ट्र के बारे में, अपने धर्म के बारे में बताएं। द केरल स्टोरी क्या आपने देखा है? दोबारा आज फिल्म देखने आई हूँ। हाँ दोबारा देखने आई हूँ। तो क्या देखने को मिला और क्या कुछ मैसेज होगा आपको, क्योंकि जिस तरीके से उसमें ISIS की बात की जाती है, कई जगह राज्यों में बैन किया जा रहा है, कई जगह टैक्स फ्री किया जा रहा है, खासतौर पर लड़कियों को दिखलाने की बात की जा रही है, तो आखिर क्यों? कुछ तो होगा उसमें। लड़कियों को दिखलाने का मकसद ये है कि लड़की अपने धर्म के बारे में जाने, वो किसी के बहकावे में नहीं है, बस। यानी धर्म को अपने, जो जिस तरीके से हर धर्मावलंबी अपने धर्म को मानते हैं, हाँ। उसी तरीके से इसमें लव जिहाद का भी कुछ दिखाया गया। हाँ लव जिहाद है, मतलब ये कोई गुनाह नहीं है, प्यार करो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये लेकिन धर्म से अलग नहीं है। एक धर्म विशेष को टारगेट करके इसमें, हाँ ये धर्म विशेष को टारगेट किया गया है इस फिल्म में। क्या नाम हुआ अपना? अंकु कुमारी। केरल स्टोरी आज आ रहा कि जो टीनेजर हैं, महिलाएं हैं, उनको दिखाया जा रहा है, ये दिखाना बहुत जरूरी है। हिंदू युवतियों को, खास करके हिंदू युवतियों को द केरल स्टोरी दिखाना बहुत जरूरी है। आज पूरे देश में विधर्मियों के द्वारा हिंदू युवतियों को टारगेट करके, लव जिहाद में फंसा करके धर्म परिवर्तन कराने का काम किया जा रहा है। इसी संदर्भ में सबको इस ज्ञान को सब में नियति करने के लिए ये किया गया है। तो कितने शो आज आप लोगों ने बुक किया है? हम लोगों ने 200 बुक किया है, 200 सीट मतलब टिकट। महिला और पुरुष के लिए कौन कौन सा? महिला वाला अभी चल रहा है 3-6, और 6-9 वाला पुरुष का है और फैमिली वालों के लिए भी। ये तो आपने आज बुक कर दिया, शो दिखा। लगातार बात की जा रही है कि इसको टैक्स, मनोरंजन टैक्स से मुक्त किया जाए इस फिल्म को, लेकिन बिहार सरकार अभी करके, उसके लिए भी कुछ करेंगे आप लोग? बिहार सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, बिहार सरकार कभी टैक्स फ्री करने नहीं जा रही है। हम लोग ये 200 अपने तरफ से इसलिए चला रहे हैं ताकि ये प्रेरणा मिले और लोग अपने भी खर्च से देखें। बंगाल का लगता है कि आजीवर चलाएंगे, बैंड कर दिया गया है, आजीवर चलाएंगे इसको 200। हाँ हम लोग का आजीवर है, लेकिन पूरे बिहार में हिंदू जागरण मंच के द्वारा विभिन्न तारीखों को चलाने की प्रयास किया जा रहा है और चल भी रहा है। बक्सर में हो चुका है इस तरह का कार्यक्रम। सर ये चीज बताएं, बंगाल में भी इसे पूरी तरह से बैंड कर दिया गया, टैक्स फ्री की तो बात अलग है, वहां पर बैंड कर दिया। वो अभी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो फैसला होगा उसी को ही माना जा सकता है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सोनालाल है, हिंदू जागरण मंच दक्षिण बिहार के हम सह संयोजक हैं। तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, कहां तक ये तथ्य सही है? देखिए ये तो पिक्चर वाला ही इसको ऑथेंटिकेट कर सकता है, हम लोग धरातल पर क्या बोल सकते हैं, जो बातें हैं उसको सत्य मानकर हम चलते हैं। अभी तक अगर देखा जाता तो इस तरह की अगर फिल्मों को कंट्रोवर्सी में लाने का मतलब होता है कहीं ना कहीं जो उसके संचालक होते हैं उनसे, क्योंकि एक TRP मिलती है, जिस तरह से द कश्मीर का TRP मिला था, क्योंकि जितने शॉर्ट पीरियड में उन्हें कमाई हो जाती है। नहीं ये TRP का मामला जो जिसके लिए है उसके लिए है, हम जनसाधारण के साथ हैं और जनता के लिए जो उपयुक्त होगा वो जनता उसको खुद स्वयं पसंद करेगी। अब उससे किसी को लाभ हो रहा है तो हम उसके लाभ को तो खत्म नहीं कर सकते हैं। TRP से जुड़ा हुआ जनता इसके का मोड़ नहीं है, जनता सच्चाई से जुड़ा हुआ जो समाज में देख रहा है, जो फलित हो रहा है देश विदेश में, चारों तरफ देश ही नहीं
विदेश में जो फलित हो रहा है वो देखकर ही जनता इसके प्रति आकर्षित है। आपके इस हिसाब से फिल्म में क्या ऐसा दिखाया गया है जो भारत मूल के लोगों को दिखाना जरूरी? नहीं, ये तो हर आदमी को मालूम है, एक नीति है भारत में जो चला रहा है तुष्टिकरण का। उस तुष्टिकरण का आज ये असर हो गया है कि अगर किसी ने अपने शुद्ध सोच से ये पिक्चर को बनाया है और जनता उसको यथार्थ मान रही है तो विशेष प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा परिचय, मेरा नाम सुरेंद्र सिन्हा है, हिंदू जागरण मंच के मैं जिला अध्यक्ष हूँ। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवास उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, ETC बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहाँ पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौवा।